आज की वीडियो में हम देखने वाले के रिएक्ट में डेटा टेबल कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल पे ना अपन कुछ डेटा टेबल सर्च मारते हैं, डेटा टेबल इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, अब यहाँ पे आए ये वाली लिंक अपन ओपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ना इसको इंस्टॉल करना होगा, तो इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है पहले वो देख लेते, फिर उसके बाद बेसिक लेवल पे कैसे टेबल को यूज़ करना है पहले वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन वाले टैब पे गया, देख यहाँ पे ये मुझे बता रहा है npm कमांड कि इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, तो ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गया है, दिख रहा है यहाँ पे कि इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। हाँ तो बोल। हाँ हाँ वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। देख अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू है, अभी पैकेज डॉट जेसन में जाके देखने का कि वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। देख यहाँ पे वो इंस्टॉल हो गया, देख रहा है ये लाइन नंबर 10 पे। ठीक है, मतलब पहला जो कमांड था वो अपना सक्सेसफुल हो गया है। अब सेकेंड हमको क्या करना है, यहाँ पे देख बेसिक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पल में बोल रहा है कि सबसे पहले आप इसको इम्पोर्ट करो, मतलब चलो ठीक है फिर हम इसे इम्पोर्ट कर लेते हैं। अभी मैं ये पैकेज डॉट जेसन बंद कर देता हूँ, इस वाले एप डॉट जेएस फाइल में हम काम करने वाले, तो मैं यहाँ पे इसको मैंने इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है, इम्पोर्ट हो गया ये। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप ये क्या बोल रहा है। नेक्स्ट स्टेप ये बोल रहा है कि ये चीज़ इसके अंदर डालने के लिए, देखिए कंपोनेंट बना है, इसके अंदर एक कॉलम बना हुआ है और एक डाटा दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिया, मैंने यहाँ पे इसको डाल दी। अभी मेरे को एरर आ रहा है यहाँ पे, ये दोनों चीज़। ठीक है, ये दोनों चीज़ क्या है, कॉलम्स और डेटा क्या है, ये प्रॉप्स है। ठीक है, और ये जो मेरा डेटा टेबल है ये क्या है, कंपोनेंट है। क्या ये, हाँ, कंपोनेंट। और ये सेल्फ क्लोजिंग है, दिख रहा है ये सेल्फ क्लोजिंग है। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये दोनों भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद ये क्या होता है। यहाँ पे मैं आया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ फिलहाल। अब देखना है जो एरर थी वो चले गई। ठीक है, चलो अब देखते हैं आउटपुट में क्या मिल रहा है हमको। ठीक है, देख एक टेबल, डेटा टेबल बन के आ गया अपने पास। अभी अपन क्या करते हैं, प्रॉपर एक डेटा टेबल ही बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लिपकार्ट डैशबोर्ड टैब ऐसा डालेंगे तो अपने को ना उसका टैब का नाम मिल जाएगा अपने को। यहाँ पे जैसे कि ये मैं ओपन करता हूँ तो देखना यहाँ पे टैब का नाम है, वही नाम अपन यहाँ पे फॉलो करने वाले एक बेसिक एग्जांपल बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिखा है प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जाते हैं, ये चीज़ मेरी कॉलम है, तो कॉलम वाला सेक्शन किधर है, यहाँ पे देख इधर नाम दिया हुआ है कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है, सबसे पहला नाम क्या था वहाँ पे, प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, ये मैंने सेव किया, देख यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा क्या। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल ऊपर आ गया है। अब उसके बाद नाम क्या था यहाँ पे, लिस्टिंग प्राइस, यूजुअल प्राइस और फाइनल प्राइस। ठीक है, यहाँ पे मैं आके क्या था, लिस्टिंग प्राइस। लिस्टिंग प्राइस। ठीक है, अब ये कैसे है, ये एक दूसरे से लिंक होगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आके दूसरा क्या था, यूजुअल यूजुअल प्राइस। ठीक है, और तीसरा क्या था, फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब तू ध्यान दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, चारों आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, स्टॉक और कैटेगरी लिया हुआ है। ठीक है, और दो चीज़ हम लोग ले लेते हैं, ज़्यादा डिटेल डालेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। क्या नाम था, स्टॉक, और उसके बाद लास्ट वाला क्या था, कैटेगरी। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने क्या, इसको यहाँ पे अपन कैटेगरी कर देते, सही है। ठीक है, अभी अपने को क्या करना होगा, सेम टू सेम चीज़ हमको यहाँ पर भी बनाना होगा, एक पूरा डिटेल डालना होगा। पहले ये वाला डिटेल मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ से ही हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट डिटेल लिया हुआ है। ठीक है, ये प्रोडक्ट डिटेल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, आईडी को मैं रहने देता हूँ, यहाँ से अपन इसको वो करेंगे। ठीक है, ऐसे सेकेंड वाला नाम क्या है, लिस्टिंग प्राइस। ठीक है, ये मैं लिस्टिंग प्राइस यहाँ से लिया, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, स्पेस नहीं देना है। चौथा वाला डिटेल क्या है इसके अंदर, यूजुअल प्राइस। यूजुअल प्राइस। यहाँ पे अपन ने इसको ये मारा, एंटर मार के, और हम लोग यहाँ पे कुछ प्राइस दे देंगे कुछ इतना सा। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, फाइनल फाइनल प्राइस। प्राइस। ये फाइनल प्राइस मैंने यहाँ से लिया, कॉमा मारा, यहाँ पे अपन ने डाल दिया फाइनल प्राइस, हम लोग ले गए 2000। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, एक स्टॉक बचा है और एक कैटेगरी कैटेगरी बचा हुआ है। कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक है वो डालना है, तो स्टॉक मेरे पास है कुछ 1000 का।
और उसके बाद मुझे कैटेगरी डालना है। तो ये प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है ये है, इसको अपन परफ्यूम ले देते, ठीक है, FUME, ठीक है, ये अपन ने ले लिया। अब देखते हैं यहाँ पे आया कुछ, कुछ आया यहाँ पे नहीं आया। नहीं क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी हमने मैपिंग नहीं की हुई है, इसको इससे कनेक्ट नहीं किया हुआ है। अब इसको इससे कनेक्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे देख रहे हैं, रो डॉट यर 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 यर, ये सारा नाम हमको चेंज करके इसका नाम डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मैंने ये उठाया और ये जो प्रोडक्ट है ये मैं हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, परफ्यूम 250 अल्ट्रा प्रो, ऐसा नाम लिख देता हूँ मैं, ठीक है, परफ्यूम 250 अल्ट्रा प्रो, मोबाइल जैसा नाम दे दिया मैंने इसको। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये भी मैं हटा देता हूँ, आई डोंट थिंक मुझे इसकी ज़रूरत है। और यहाँ से ये नाम मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। चल चेक करते हैं कि पहला नाम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। आ गया, देख रहे, थोड़ा जूम कर दूँ मैं इसको ताकि समझने में और आसानी हो। अरे मैंने जूम कर दिया अभी, ठीक है। अभी ऐसे ही मुझे दूसरा नाम चेंज करना है। दूसरा नाम क्या है मेरा? लिस्टिंग प्राइस है, ठीक है। अब लिस्टिंग जो प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए, अगर मेरा यूजुअल प्राइस इतना है, फाइनल प्राइस मेरा इतना है, ठीक है। ये भी कुछ हम लोग डेमो दे देते इतना, ठीक है, 3,000 डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने आके इसको लिस्टिंग प्राइस कर दिया, सेम चीज़ यूजुअल प्राइस है, यहाँ पे मैंने आके उसको यूजुअल प्राइस भी इतना दे दिया। फिर उसके बाद फाइनल प्राइस है, फाइनल प्राइस भी यहाँ से उठाया यहाँ पे दे दिया। उसके बाद स्टॉक है, ठीक है, यहाँ से उस स्टॉक उठा के अपन ने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद क्या है, कैटेगरी है, ये कैटेगरी उठा के अपन ने यहाँ पे कैटेगरी भी डाल दिया। अभी चेक करते हैं कि सारी चीज़ें आई कि नहीं, देख सारी चीज़ें वर्क कर रही है। अभी अपन ये काम करेंगे, इसी को ना कॉपी पेस्ट करेंगे 10-12 बार। अभी ये मैंने एंटर मारा, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सब अभी अपन हार्ड कोडेड कर रहे हैं। देखिए सारा डेटा मेरे पास आ गया, आया कि नहीं आया, वेरी गुड। अभी आ जाते हैं यहाँ पे, हम लोग कुछ और चीज़ ट्राई करते हैं, मतलब ये चीज़ मेरी सक्सेसफुल हो गई है, मेरा पेजिनेशन कहाँ है, मतलब पेजिनेशन बोल रहा हूँ, मेरा डेटा टेबल काम कर रहा है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पेजिनेशन इंप्लीमेंट करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेजिनेशन कहीं दिख रहा है क्या? हाँ देखिए यहाँ पे बेसिक लिखा हुआ है पेजिनेशन। अब देखते हैं पेजिनेशन इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या है। अभी देखिए यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, सिर्फ आपको ये डालना है पेजिनेशन करके, ये चीज़ मुझे ऐड करनी है मेरे कंपोनेंट पे। मैं यहाँ पे जाके, ये मेरा कंपोनेंट है, मैंने यहाँ पे इसको पेजिनेशन डाल दिया, ठीक है। अब देखता हूँ इतने में पेजिनेशन आता है क्या। वाह, पेजिनेशन आया कि नहीं आया? अब इसको वापस से ना जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, देख पेजिनेशन आ गया, हाँ ठीक है। अभी इसको चेक करते ही काम कर रहा अभी कि नहीं काम कर रहा, तो यहाँ से मैंने इसको 15 कर दिया। अरे ये काम कर रहा है, देख रहा, 15 किया तो 15 हो गया, अभी 10 किया तो 10 दस किया तो 10 रिकॉर्ड दिखा रहा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहाँ ये भी काम कर रहा है, इससे भी चेक करते काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो ये काम मतलब अपना कर रहा है। अब इसके अलावा अपन और कुछ चीज़ देखना है, इसके अलावा सॉर्टिंग, सॉर्टिंग एक बार ट्राई करें। चल देखते हैं सॉर्टिंग के लिए क्या इन लोग ने दिया हुआ है। अच्छा सॉर्टिंग के लिए इन्होंने बोला है कि ऐसा सब में डालूँ जाके वापस से। अरे बाप रे, चल ठीक है, सारे कॉलम्स के अंदर सॉर्टिंग डाल देते हैं, लेकिन फिर इसके बाद है ना अपने को डेटा भी चेंज करना होगा, सारे कॉलम मतलब इसने क्या बोला है यहाँ पर डालने के लिए, ठीक है। ये अपन ने यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, चल देखते सॉर्टिंग चलता है। अब इससे चलेगा क्या, ये डेटा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डेटा सेम होने की वजह से पता ही नहीं चल रहा है सॉर्ट हो रहा है कि भी नहीं हो रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, कोई एक इन्फॉर्मेशन चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, यहाँ पे 2,000 कर देता हूँ, इसको 1,000 कर देता हूँ, इसको 8 कर दिया, इसको 9 कर दिया। फिलहाल के लिए इतना अपन ने डेटा चेंज कर दिया है लिस्टिंग प्राइस का। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, देखना सारे डेटा चेंज है, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्लिक पे डेटा शफल हो रहा है कि नहीं, देखो हो रहा है, ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया है अपना सॉर्टिंग भी काम कर रहा है, बाकी का डेटा नहीं दिख रहा क्योंकि सब सेम है। तो किसी एक दो का नाम भी चेंज करके आ जाते हैं, जब इसका नाम कर देते हैं अल्ट्रा प्रो 2 कर देते हैं, इसका इसका मैक्स कर देते हैं, ठीक है। और कोई है क्या, और कोई ऐसा वर्जन है नाम का, कुछ तो होगा। चल इसको भी कुछ वर्जन दे देते हैं, इसको प्रो प्लस, इसको प्लस कर देते, प्रो प्लस कर देते, ठीक है। ये भारी भारी नाम देंगे अपन। चल अभी चेक करके देखते हैं, यहाँ पे मैंने किया तो ये भी चेंज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, चेंज हो रहा है यहाँ पे। अगर प्रोडक्ट डिटेल पे चेक करेगा तो ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है। हाँ मतलब ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, और ये भी काम कर रहा है इसके अंदर, मतलब सारी चीज़ें काम कर रही है इसके अंदर। कितना सिंपल था इसको यूज़ करना, कुछ कॉम्प्लिकेट लगा इसको समझने में? नहीं,
सिंपल था एकदम यूज करना। मेन होता है कि जब हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना, उसको ना सिर्फ पढ़ने का, चीज़ें समझने की कोशिश करने का, इजीली इंप्लीमेंट हो जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो अपन ट्राई कर सकते हैं, तो ये एक एक करके ना चीज़ें इंप्लीमेंट करके ट्राई करना। ठीक ठीक है, है, ठीक है, चल आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।